नमस्कार, मैं कशिश हूँ। स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। 30 साल के अर्पिता मुखर्जी बीते 10 साल से भी ज्यादा समय से पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ कनेक्शन में हैं। वह ईडी को 2012 के कन्विंस डीड मिली है जो अर्पिता और पार्थ चटर्जी के ज्वाइंट नाम पर है। इसी के आधार पर ईडी कह रहा है कि अर्पिता 10 साल से फाइनेंशियल और जमीनों के मामले में पार्थ के साथ जुड़ी हुई है। बल्गेरिया के देवानपाड़ा इलाके में जहाँ अर्पिता का पुश्तैनी घर है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। घर जगह जगह से टूट रहा है। घर में उनके बुजुर्ग माँ मीनाती मुखर्जी अकेली रहती हैं। अर्पिता की छोटी बहन ने भी शादी की हुई है, लेकिन बताते चले कि जब उनसे मुलाकात की तो पता चला कि खिड़की से काफी देर तक आवाज देने पर उन्होंने चाबी दी। बोली कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग आते हो तो भगाना नहीं चाहती। मुझे तो पड़ोसियों ने कहा है कि आप ताला लगा कर ही रखो और किसी से बात भी मत करो। ये हालात हो चुके हैं उनकी माँ के। ऐसा कहा जा रहा है खबरों और रिपोर्ट के हिसाब से कि अगर कोई भी उनसे मुलाकात करने जाता है तो उनकी माँ यानी कि अर्पिता मुखर्जी की माँ हर किसी को यही कहते हुए नजर आती है। बताते चले कि उन्होंने ये बताया कि अर्पिता कभी कभी मिलने आती है, राशन दवाई दे देती है, लेकिन पैसे कभी नहीं दिए। वो कई साल पहले घर छोड़ चुके हैं। पहले सीरियल में काम किया, फिर फिल्मों में भी आए, लेकिन उससे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया और ना ही पैसे इतने दिए। वही इधर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पार्थ और अर्पिता की पूछताछ कर रहे ईडी को कई नई प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। जल्द ही इन जगहों पर छापा मारा जाएगा, इसके बाद अमाउंट और ज्यादा बढ़ सकता है। ईडी आने वाले दिनों में 10 से 12 जगहों पर छापा मार सकती है। पश्चिम बंगाल के सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बताया कि जितना पैसा मिला है उतने का अंदाजा टीएमसी को भी नहीं था, इसलिए पार्थ चटर्जी को सरकार के साथ ही पार्टी से भी हटा दिया गया। अब बंगाल में इंटेलिजेंस और पुलिस का फोकस अपोजिशन पर है। सत्ता पक्ष के नेताओं पर कोई ज्यादा वॉच नहीं रखता, इसलिए ऐसा लगता है कि मामला अभिषेक या ममता बनर्जी की नजर में नहीं आया। यदि उनके नॉलेज में होता तो पार्थ के खिलाफ इतना सख्त रुख शायद नहीं अपनाया जाता। वही सीनियर जर्नलिस्ट ये भी बताते हैं कि 2016 में भी उन्होंने पार्थ को मंत्रिमंडल में शामिल करने का विरोध किया था। 2021 में शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए थे। पार्थ चटर्जी का टीएमसी में नंबर 3 का कद था, तो ममता और अभिषेक के बाद वे सबसे पावरफुल लीडर माने जाते थे, लेकिन इस मामले में उन्हें पूरी तरह पावर से बाहर कर दिया। वे शुरू से ममता बनर्जी के लिए लॉयल रहे, जबकि अभिषेक टीएमसी में अपने लॉयल नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो वही जिन कुणाल घोष की बात की जाए तो उन्होंने भी कार्रवाई वापस ले ली। अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया पार्थ को, और यहाँ पर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर लगता है कि सजा तो मिलकर ही रहेगी। लेकिन ये जो हमारी खास रिपोर्ट है वो इस मुद्दे को लेकर है कि आखिरकार जो यहाँ पर अर्पिता मुखर्जी की जो माँ है उनकी हालत इस वक्त कैसी है। तो कहीं ना कहीं खबरों के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से ही लगता है कि हालत काफी ज्यादा बद से बदतर है। वो ये तक कहती नजर आए कि उनकी बेटी ने जो कारनामा किया है उसकी वजह से उन्हें 4 दीवारों में बंद रहना पड़ रहा है। आगे बताते चले कि यहाँ पर ईडी ने अभी तक टीएमसी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बोला। वही पार्टी ने साफ कर दिया है कि अर्पिता का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे जरूरी है कि जो पैसे मिले हैं उसके सोर्स का पता लगाया जाए, क्योंकि नोटबंदी के बाद वे शायद ब्लैक मनी का सबसे बड़ा मामला है। पीएम ने कहा था कि नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, तो फिर ये 50 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे हो गए? क्या ये इंडियन सिस्टम का डिफॉल्ट नहीं है? वही जिस टीचर्स के लिए को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, नोटिफिकेशंस दिए गए और कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि सारा मामला जो है वो शिक्षा घोटाले का है और उनको लेकर ही ये पैसा कमाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी यहाँ पर 20 साल पहले लगभग मुलाकात की थी उन्होंने पार्थ चटर्जी से, तब से ही इनके आना जाना मुलाकात शुरू हो गया था और वो मुलाकात इनकी कब प्यार में बदल गई उसको लेकर अभी तक कोई खास खुलासा नहीं हुआ। लेकिन उनकी माँ साफ तौर पर कहती नजर आए कि जिस दिन बेटी ने घर को छोड़ा था और उसके बाद यहाँ कुछ खास मुड़कर नहीं देखा, तो तभी से ही माँ और बहन दोनों ने ही अपनी बेटी से रिश्ता पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब पार्थ चटर्जी के साथ ही जिंदगी बिताती नजर आ रही थी, लेकिन शादी नहीं की थी। अब शादी ना करने पर उन पर उनके कैरेक्टर पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यही देखना है कि आखिरकार जो अर्पिता मुखर्जी है वो किस तरीके से अपने जुर्म को कबूल करती नजर आती है और ईडी यहाँ पर और कितने ज्यादा घोटालों का खुलासा करती नजर आती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।